हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने जल्दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप एज अ रेलवे में न्यू ज्वाइनी अपॉइंट होते हो तो आपको कितनी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ आपको सितंबर 2024 की, ठीक है। और लेवल 5 की ये सैलरी रहने वाली। लेवल 5 में आपकी जो पोस्ट आती है वो आती है आपकी सीनियर क्लर्क, ठीक है। सीनियर क्लर्क आती है और आपका एक आती है JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है। मैं एज अ सीनियर क्लर्क अपॉइंटेड हूँ इंडियन रेलवे में, ठीक है। तो देख लो कितनी सैलरी मिलेगी जब आप पहली बार जो है यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, उससे पहले बता दूँ, मैंने ये दो वीडियो बनाए थे इससे पहले कि मुझे फर्स्ट मंथ में कितनी सैलरी मिली थी, ठीक है, और सेकंड मंथ में कितनी सैलरी मिली थी वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। ये वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना, या इस वीडियो के ख़त्म होते ही मैं वीडियो पर लगा दूँगा तो वहाँ से जाके आप इसे देख सको। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितनी सैलरी मुझे यहाँ पर मिलती है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा हुआ सितंबर 2024, ये मेरा डिवीज़न है, ठीक है। DRM ऑफिस में मेरी ज्वाइनिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम वगैरह, आईडी वगैरह, ठीक है। यहाँ पर बाकी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं, और मेरा एक इंक्रीमेंट लगा हुआ है जो कि आपका देख सकते हैं 1/1/2025 को लगा हुआ है। अगर हम ये इंक्रीमेंट के बाद मेरा बेसिक पे है जो आप फ्रेश चाहोगे तो आपको 29,200 यहाँ पर बेसिक पे मिलेगा, ठीक है। कितना? 29,200 यहाँ पर बेसिक पे मिलने वाला है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, 900 रुपये बढ़ा हुआ है ना। और हर साल 1 जनवरी को आपका ये इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं इसमें। सबसे पहले बेसिक पे आ जाएगा आपका 30,100 रुपये, फिर DA आ जाएगा, डी अर्नेंस अलाउंस, जो कि अभी चल रहा है 50%, ठीक है। तो इसका आधा हो जाएगा 15,050। फिर HRA हो गया जो कि 20% मिलता है आपको, तो HRA कितना हो जाएगा 6,020, जो कि बेसिक का रहता है, ठीक है। और फिर ये ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस रहता है ये फिक्स रहता है, ठीक है, 2,700 रुपये। तो ये हमारी जो ग्रॉस बनती है वो बनती है 53,870 रुपये, ठीक है। 30 दिन की सैलरी रहती है 53,870। अब इसमें कुछ कटौतियाँ भी होती हैं, जैसे कि ये एक रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी है, ये कटती है। इसके अलावा जो NPS है टीयर फर्स्ट, वो कटता है 4,515 रुपये। फिर प्रोफेशनल टैक्स है, ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिर आपका ये एक रेलवे स्टाफ बेनिवोलेंट फंड है, उसमें 50 रुपये कटते हैं। और ये मेरी एक सेविंग है जो कि यहाँ पर रेलवे का बैंक है, जो वेस्टर्न रेलवे है उसका, वेस्टर्न रेलवे का एक बैंक है, जंक्शन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वेस्टर्न रेलवे सब्सिडरी, ठीक है। तो इसका 1,600 रुपये मेरा ये कटता है, ठीक है। अगर आप ये आपको अपने अकॉर्डिंग कटवाएंगे तो इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। फिर 1,600 आप उसमें जोड़ लीजिएगा, तो ये कुल कटौती है इतनी, ठीक है। मतलब मोटा मोटा इतना होता है आपको, ठीक है। तो आपको जो इसमें से ये कार्ड देंगे, आपकी जो कटौतियाँ हैं रिकवरी, तो यहाँ पर देखिए टोटल रिकवरी 6,395। इसको आप इसमें से घटा देंगे तो आपको नेट पे जो मिलता है वो मिलता है 47,475 रुपये, ठीक है। तो ये मुझे इस मंथ की सैलरी मिलने वाली, अभी मिली नहीं है, ठीक है। आपको 1 तारीख को वैसे सैलरी मिलती है हर महीने की, बट ये क्या होता है 1 दिन पहले आ जाती है, यानी कि 30 का मंथ है तो 30 को, 31st का है तो 31st को। अगर उससे पहले सैटरडे या संडे पड़ा हुआ है, मान के चलिए ये 30 का सैटरडे, 29 का, तो यहाँ पर 28 को भी आपको सैलरी मिल सकती है। या अगर ये 31 है, 31st है, ये 30 है, तो 29 को भी आपको सैलरी मिल सकती है, अगर सैटरडे संडे लास्ट में पड़ रहा है तो, है ना। इस बार क्या है, मंडे है 30 का, तो इसलिए मंडे को आएगी, ठीक है। तो कल सैलरी आएगी तो दिखा दूंगा कि कितनी क्या सैलरी आई, ठीक है, मैसेज दिखा दूंगा आपको, ओके। तो ये था एक दोस्तों, तो इसको देखिए, मतलब 50,000 से ऊपर आपको सैलरी मिली मंथली, तो अच्छी खासी जॉब है एक, है ना, लेवल 5 की। और ये एक मोटिवेशन था, तो मोटिवेशन के तौर पर मैंने बता दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कितनी आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, या कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।